अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मूली के पराठे। तो मूली का पराठा बनाते वक्त तकरीबन ये एक मूली है, इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून क्रश चिली है, और इसमें है करियंडर है यानी धनिया सूखा हुआ, और अजवाइन है आधा हाफ टी स्पून, और सॉल्ट है हाफ टी स्पून। और इनको मिक्स करेंगे, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, ये मूली पकी हुई नहीं है, इसको मूली को कद्दूकस करके इसका पानी निचोड़ लिया गया है और ये कच्ची मूली है। इसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद इसकी रोटी बेलेंगे और आपको इसका पराठा सुबह नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बना के बताते हैं। अब हम आम सादा घर का बना हुआ आटा जिसका नमक डाल के गूंध लिया गया था, इसके अंदर ये रोटी की फिलिंग डाल के इसको बेलने लगे हैं और ये सुबह का पराठा बन रहा है। बाज़ लोग इसे पका के बनाते हैं लेकिन उसमें इतना क्रंच नहीं आता, इसमें रोटी में क्रंच बहुत आता है। अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से नमक मिर्च इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह दबा के साइडों से बंद कर दें। अब हम इसको पकाते हैं। अब हम इसको तवे पे डाल रहे हैं, पाँच मिनट एक साइड से ये बनेगी और पाँच ही मिनट दूसरी साइड से। अब थोड़ी सी अब इसकी राइट इसकी साइड थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। अब इसमें थोड़ा सा इसे कुक हो जाए फिर इसमें हम ऑयल लगाएंगे ना। ये देसी घी है जी, इसके ऊपर लगा रहे हैं। इससे ये है कि कई बार घर की मलाई वगैरह बची होती है तो ये हम उसका बना लेते हैं। मैं आपको इनके बनाने का तरीका भी किसी दिन बताऊंगी, बहुत ही आसान है। इसकी साइड चेंज कर दी गई है। बाज़ औक़ात हम इसे इस तरह से पराठा बना के दोपहर का आप स्किप कर लें, दोपहर में फ्रूट वगैरह ले लें तो ये है कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। शाम को आप डिनर वगैरह जल्दी ले लें, मगरब के बाद खाना खा लें। अगर इसे थोड़ा अगर कम आंच पे बनाए ना तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है पराठे का स्पेशली। और ये तकरीबन हो चुका है। ये पराठा हमारा तैयार है। आप भी बना सकते हैं इजी घर के मसाले से, साफ़ सुथरी घर की रोटी नाश्ता। एक्सेस ऑयल आप साफ़ भी कर सकते हैं, घी साफ़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। इससे कम भी लगा सकते हैं आप लोग, कम ऑयल में बना सकते हैं। लेकिन ये घी है तो इसमें विटामिन डी है और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा। अगर आप हफ्ते में या महीने में एक दो दफ़ा ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।